तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने घरों में। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ, ये पीछे मेरे ये जंगल क्यों दिख रहे हैं ये सब। तो एक्चुअली क्या है ना कि मेरा नेटिव प्लेस असम है, तो मैं असम आया हुआ था थोड़े काम के सिलसिले में, और ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है मेरा असम आने का, और मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया इसीलिए, क्योंकि आने के बाद ही मैं मतलब मेरा तबीयत कुछ ख़राब हो गया था, तो उसके बाद अभी भी मतलब पूरा रिकवरी नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। और आज 15 अगस्त है, तो इसीलिए मैं निकला था घर से और एक विलेज घूमने आए थे, तो सोचा है कि आप लोगों को भी विलेज का व्यू दिखा देते हैं कि कैसा है, कैसा ये जो विलेज है, ये एरिया मतलब हर साल फ्लड में आता है, मतलब फ्लड होता है तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस बार तो बहुत भयंकर फ्लड हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, तो इसीलिए मैं आया हूँ इस विलेज पे यहाँ पे देखने के लिए। और आप सभी लोगों को मतलब आज 15 अगस्त है, इसीलिए 15 अगस्त का हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आप जहाँ पे भी हो खुश रहो, और 75th इंडिपेंडेंस है तो सबको इसके लिए बधाई हो। और काफ़ी अच्छा नेचुरल ब्यूटी है इस विलेज का, तो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, और आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और विलेज का लाइफ कैसा होता है वो भी आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कैमरा को माउंट कर लिया है मैंने गाड़ी पे, और हम उतरने गाड़ी से, कितना मस्त जगह है आपको दिखाते हैं। ऐसा जगह उसमें आप विंडोज एक्सपी में दिखते हो ना, विंडोज एक्सपी जैसा है आपको। क्या मस्त लैंडस्केप है, व्यू जस्ट व्यू चेक करो। तीन अगस्त के लिए यह सब मतलब गाना चल रहा है, लेकिन नीचे कीचड़ है बहुत ज्यादा। कितना सुकून है यहाँ पे, कोई भी नहीं है डिस्टरबेंस के लिए, कोई सो भी जाए ना तो मतलब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, इतना सुकून है। और ये है हमारा कार रखा हुआ है, कीचड़ से पूरा हालत खराब हो गया। और भी कुछ जगह है आपको दिखाने के लिए, तो अभी उधर चलते हैं, एक और लैंडस्केप व्यू आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कैमरा कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, इतना खूबसूरत है। और ये फ्लड का पानी है, अभी भी यही तक है पानी, और लोगों ने ये चावल का खेती किया है। ये देखिए पानी का कलर, देखिए पानी के ऊपर कैसा रेड कलर का हुआ है पानी। अब हम चलते हैं दूसरी जगह जहाँ पे फ्लड ने पूरा इफेक्ट किया है, तो वो जगह आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मतलब रोड के ऊपर पानी नहीं आया था, दूसरी जगह पे वो रोड के ऊपर भी आ गया था पानी, तो वो एरिया आपको दिखाते हैं।
अब ये देखिए यहाँ पे पानी का हालत क्या नजारा है यहाँ का। ये देखिए ग्रीन वाटर है पूरा और कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसमें से लोग नीचे जाते हैं नहाने के लिए, यहाँ से नीचे जाते हैं नहाने के लिए। वो उधर घर भी दिख रहा है। आज मैं पूरा अकेला हूँ, कोई भी साथ में नहीं है कैमरा पकड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे पानी जो है पूरा रोड के ऊपर से था। देखिए अंकल क्या लेके आ रहे हैं। पे नाव कहा जाता है और सबके घर में एक एक होता है यहाँ पे, क्योंकि हर साल कम ज़्यादा हो तो फ्लड होता ही रहता है। अभी देखिए ये जो रोड है ऑलमोस्ट 14-15 डेज होगा इसके ऊपर पानी था। उससे पहले 14-15 डेज पहले यहाँ पे उसके ऊपर पानी था, अभी ये सूख के तैयार हुआ है। तो बच्चे खेल रहे दिखाते हैं। ये लोग बोल रहे हैं उनका वीडियो लेने के लिए। अच्छा वही वो घूम के फिर से आ रहे। देखिए घर से कैसे, मतलब पानी था इसीलिए इसके ऊपर से होके आना होता है। यहाँ पे घर है और यहाँ से आने का रास्ता देखिए। कोई डेयर कर सकता है जाने के लिए? ये बोल रहे छोड़ के नहीं जाने के लिए। ये फिर से रिटर्न आ रहे हैं तो वीडियो बनाने के लिए बोल रहे। हम होते तो डर जाते। देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं सब लोग। तो बच्चे कितना मतलब शरारती है। इन्होंने मिलकर नाव को डुबा ही दिया अल्टीमेटली। और पानी का लेवल ये लोग बता रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर का जो नेट है ये नीचे आप देख सकते हैं, नीचे जमा हुआ है थोड़ा, तो ये पूरा ऊपर तक लगा हुआ था। ये जो बैम्बो आपको दिख रहा है ना, इसका ऊपर यहाँ तक लगा हुआ था और इतना तक पानी था। रोड देखिए कहाँ पे है, ये है रोड, रोड से मतलब यहाँ तक इतना तक पानी था। तो ये पूरा समंदर जैसा दिखता था। ये देखिए पुल, देखिए लोकल लोग इसमें से मतलब इनका घर उस तरफ है, ऊपर दिखाई दे रहा है शायद आपको। यहाँ पे घर है तो यहाँ से होके जाते हैं, चल के जाना होता है। थोड़ा व्यू दिखाते हैं यहाँ के कि कैसा है, पानी कहाँ तक है। ये देखिए गाड़ी में हमने भी फ्लैग लगा के रखा हुआ है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। आपको यह नाव दिखा के लेके आते हैं।
देखिए चारों तरफ ग्रीनरी है लेकिन धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरा हालत भी ख़राब हो रहा है धूप की वजह से। अभी हम यहाँ से जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और ये था एक शॉर्ट वीडियो था कि मेरे को थोड़ा आसाम का वो दिखाना था, और भी आएगा आसाम में और भी वीडियोस आएंगे, तो अभी मैंने स्टार्ट किया है तो बहुत सारा वीडियो एक साथ आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत लोगों को ये मतलब ये व्यू अगर मतलब आप लोगों ने पहली बार ज़िंदगी में देखे होंगे तो कैसा लगा है आपको, आपका मतलब व्यू भी बता सकते हैं। और अगर कोई सजेशन हो कुछ भी आपको मतलब बताना है कि ये कुछ चैनल में कुछ ठीक करना है या वीडियोस का कोई भी कंटेंट में कुछ भी अगर पसंद नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं। और जाते जाते आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए बच्चे फिर से नाव लेके यहाँ से भी आ रहे हैं। देखिए पानी में पेड़ कैसा, ये पेड़ ख़राब नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, ये पानी में ऐसे हो सकता है ये। और लेने के लिए बोल रहे थे तो मुझे थोड़ा गाड़ी बैक करके इनका वीडियो ले लेते। आज 15th अगस्त है इसीलिए सब अपने स्कूल गए थे और स्कूल से आके ये नहा रहे। विलेज में ऐसे ही चलता है, सिटी में आजकल लोग मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं और विलेज में देखिए सबके घर में यहाँ पे फ़ोन एक आध हो गए किसी के घर में और लोग अपने काम करते हैं। और जैसे अभी एक देखिए ये वाला नाव, ये भी आप लोग देखे होंगे, इसमें वो लगा हुआ है ऊपर से, और ये देखिए जाली रखा हुआ है मछली पकड़ने के लिए, तो इससे इस जाली से पूरा बहुत बड़ा एरिया कवर होता है इससे मछली पकड़ने। बतख बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस एरिया पे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, ये देखिए और पानी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इनको मतलब खाने के लिए कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होती है, इसलिए सब पालते हैं यहाँ पे। और अगर आप किसी के घर में मेहमान बन के जाओगे ना तो आपको खिलाएंगे भी, तो ये भी होता है मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। गाँव पर आप आ जाइए, आप किसी के घर में चले जाइए, वो आपको खिला पिला के ही देगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है और आपको थोड़ा व्यू दिखाने की कोशिश किया है, और बहुत कुछ दिखाना था लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और सब लोग इतना लंबा वीडियो नहीं देखते। अभी आजकल शॉर्ट वीडियो का ज़माना है और इतना लंबा व्लॉग कौन देखेगा, तो मैंने सोचा कि 6-7 मिनट का ही बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। अगर आप लोगों को ये व्यू ये सब अच्छा लगा है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन, आपको चाहिए ऐसा मतलब चाहिए कि लोगों को क्या परेशानी हुई है, क्या क्या हुआ है, ये टाइप का वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो, तो मैं बनाने का कोशिश करूँगा डेफिनेटली। और आज 15th अगस्त है तो आप सबको फिर से 15th अगस्त की शुभकामनाएँ, और आप ठीक से रहिए, अपना ख्याल रखिए। और अगर आपने हमारे चैनल का ये वीडियो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को अगर अच्छा लगा है, और कोई भी सजेशन कुछ भी देना है तो कमेंट सेक्शन पे आप दे सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।